अस्सलाम वालेकुम, ये हैं मेरी प्यारी मुर्गियाँ जिनको मैंने टब में डाल कर अच्छे तरीके से रख दिया था, क्योंकि इनको कल मामा ने नहलाया था ठंड की वजह से, इसलिए मैंने इनको टब में डाल कर अच्छे तरीके से ढक के इकट्ठा रखा हुआ था। अब फिर सुबह 10 बजे मैंने इन्हें खोला और फ्रिज से थोड़ी सी गोभी निकाली जो हमने रात को बन वगैरह बना के, बर्गर वगैरह बना के खाए थे घर पर, उसकी जो थोड़ा मटीरियल बचा हुआ था गोभी का वो मैंने इन्हें दे दिया। सुबह सुबह फिर इन्हें काफ़ी भूख लगी थी और ये बहुत ज़्यादा खा रही थी। वीडियो बंद करने के बाद भी मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा डाली, सो ये काफ़ी अच्छे तरीके से तीनों की तीनों ग्रो कर रही थी। ये मेरा प्यारा छोटा सा बेबी कज़न है और ये हमारा पिंटू जिसको हमने सुबह सुबह बाहर निकाला। इसके पापा इतना प्यारा बोल रहे थे पिंटू के, ये हमारा ग्रीन पैरेट जो डरता रहता है, ये हैं पिंटू के पापा जिन्होंने शोर मचाया था जिनकी वजह से हमने इन्हें बाहर निकाला और ये लोग बहुत मज़े से बाहर आए और खेलने स्टार्ट हो गए। और यहाँ ये मुर्गियाँ मेरी दाना इस तरह खा रही थी कि जैसे इन्हें कभी कुछ मिला ही ना हो। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ करें, इनका इन्फेक्शन भी काफ़ी ठीक हो चुका है। और ये पिंटू को भी बहुत भूख लगी थी, इसको मैं अंदर लेके आई और हमने कल साग और मकई की रोटी बनाई थी और पिंटू को बहुत पसंद थी वो रोटी, लेकिन पिंटू ने सुबह क्यों नहीं खाई इसका मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि पिंटू को गुस्सा आया था। मेरा ज़्यादातर टाइम जो होता है वो मुर्गियों के साथ स्पेंड होता है, तो इस वजह से पिंटू मेरे पास अब ज़्यादा नहीं आता। ये मकई की रोटी अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।